हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम बनाएंगे आलू और ब्रेड से इतना टेस्टी नाश्ता कि जिसके आगे कचौड़ी समोसे सब फेल हो जाएंगे। तो बनाना आइए शुरू करते हैं, जो कि बनाने में है बहुत ही सिंपल, खाने में है बहुत ही टेस्टी। तो हमने इसके लिए ले लिए हैं 4 उबले हुए आलू और 6 लिए हमने ब्रेड। तो आलू को इस तरीके से हम मैश कर लेंगे और ब्रेड को ब्रेड क्रम में रेडी कर लेंगे, यानी कि मिक्सी के जार में डाल के हम पीस लेंगे। तो हमने ब्रेड को ब्रेड क्रम में रेडी कर लिया है और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसी में ऐड कर लेंगे हम आलू जो हमने पहले से ही मैश करके रखे थे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मसाले। तो देखिए, मसालों में हमने लिए आधा चम्मच कुटी मिर्च लिए, हमने आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है या फिर कहें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच फुल भर के लिया है हमने चंकी चाट मसाला। चंकी चाट मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि समझ आए कि ये नाश्ता कैसे बनाएं। तो बनाने में आसानी होगी और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। आप देख सकते हैं इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है हमें। थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ती कट करके रखी थी पहले से ही, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसमें। इसमें ग्रीन ग्रीन धनिया पत्ती दिखेंगी तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा नाश्ता। तो इसे हमें एक डो फॉर्म में रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई डो बनाने में हमें। तो डो हमारा रेडी हो चुका है। अब आप इसे कटिंग बोर्ड के ऊपर रख लीजिए या फिर चकले के ऊपर भी रख सकते हैं। हल्की सी लगा लीजिए इसके ऊपर चिकनाई, और जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से 1 से 2 बार हाथ मार लीजिए इसमें, ताकि डो हमारा और सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसकी एक गोल लोई बना लीजिए। अगर डो ज़्यादा हो रहा है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसे आप बेल लीजिए एक बेलन की मदद से, और हाथों से दे दीजिए शेप चारों तरफ से, चकोर शेप इसको देखिए इस तरीके से। इससे क्या होगा, कटिंग करने में थोड़ी सी आसानी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है इसको बनाने में, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। तो देखिए, मैंने इसको बेलन की मदद से एक सार कर लिया है और चारों तरफ से मैंने इसे शेप दे दी है। अब चाकू की मदद से हम इसे एक लंबी शेप में कटिंग करेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब इसको हम घुमा लेंगे और दूसरी तरफ से कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसकी पतली पतली लेयर हमने कट कर ली है एक साइज़ में। पहले से आप कटिंग करके निशान लगा लें, जिससे क्या होगा एक का साइज़ में कटेंगी तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा नाश्ता। कढ़ाई रख दिया हमने गैस पे, उस पर तेल गरम हो रहा है। देखिए, आप इसकी लेयर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। तो नाश्ते को फ्राई करने के लिए डाल दीजिए जितना 1 से 2 बार में आता है। देखिए, 6 पीस आए इसमें एक बार में, तो इसको गोल्डन ब्राउन करते हुए फ्राई कर लेंगे। वाओ, देखिए कितना बढ़िया कलर और टेक्स्चर आया, देखते आया ना मुँह में पानी। तो मुँह में पानी लाने की ज़रूरत नहीं है, नाश्ते को बनाइए और खाइए और मेरे साथ शेयर करिए कि आपका ये नाश्ता कैसा बना। तो देखिए, इसी तरीके से हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है। तो मैंने इसको टोटल नाश्ते को 2 बार में फ्राई किया है, बाकी आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब से देख सकते हैं। तो मैंने निकाल लिया एक एक प्लेट में सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सारा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए प्लेटिंग हमारी रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।